हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। आज के इस पार्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जेएसपी के अंदर कौन कौन से टैग्स होते हैं, मतलब कैटेगरीज ऑफ टैग्स इन जेएसपी। ओके, और नेक्स्ट के पार्ट में मैं आप लोगों को उनको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। बट ध्यान रखना है आप लोगों को, जेएसपी टैग्स बेसिकली हमारे पास थ्री टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट कैटेगरी आ जाती है, दैट इज स्क्रिप्टिंग टैग, स्क्रिप्टिंग टैग्स। सेकेंड कैटेगरी आ जाती है, डेट इज डायरेक्टिव टैग्स। एंड थर्ड कैटेगरी आ जाती है, डेट इज एक्शन टैग्स। ओके, तो जेएसपी के अंदर हमारे पास तीन टाइप के टैग्स प्रोवाइड किए गए हैं। कौन कौन से? स्क्रिप्टिंग टैग्स, डायरेक्टिव टैग्स एंड एक्शन टैग्स। ओके, स्क्रिप्टिंग टैग्स की अगर हम लोग सिंटेक्स की बात करें, इसका सिंटेक्स क्या होता है? जो इस टाइप से स्टार्ट होते हैं जी और इस टाइप से एंड होते हैं, इस टाइप के टैग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डेट इज स्क्रिप्टिंग टैग्स। स्क्रिप्टिंग टैग्स वो होते हैं जिनके थ्रू हम लोग जेएसपी पेज के अंदर जावा का कोड एम्बेड कर सकते हैं जी। स्क्रिप्टिंग टैग्स कौन से होते हैं? जिनके थ्रू हम लोग जेएसपी पेजेस के अंदर जावा का कोड एम्बेड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। देन डायरेक्टिव टैग्स का सिंटैक्स क्या होता है? ये टैग्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास एट द रेट आता है। ओके, जिसके अंदर हमारे पास एट द रेट आ जाता है, क्लियर है। डायरेक्टिव टैग्स कौन से होते हैं? डायरेक्टिव टैग्स होते हैं जिनके थ्रू जेएसपी कंटेनर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं कि जेएसपी पेजेस को किस टाइप से प्रोसेस करना है। हाँ जी, डायरेक्टिव टैग्स का यूज क्या होता है? डायरेक्टिव टैग्स जेएसपी कंटेनर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है कि जेएसपी पेजेस को किस टाइप से प्रोसेस करना है। ओके, अगेन प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को आगे करके दिखाऊंगा। एंड देन लास्ट पार्ट आ जाता है, डेट इज एक्शन टैग्स। एक्शन टैग्स का सिंटेक्स क्या होता है? सिंपल होता है, डेट इज ब्रेसेस, ब्रेसेस के बाद जेएसपी। मॉडुलस का सिंबल नहीं आता, यहां पर हमारे पास आ जाता है डेट इज जेएसपी कॉलन, फिर हमारे पास कोई भी टैग आता है। तो ये होता है हमारे पास डेट इज एक्शन टैग का सिंटेक्स। ओके, एक्शन टैग का यूज क्या होता है? एक्शन टैग कुछ भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाने के लिए काम आता है। जैसे कोई पेज इंक्लूड करवाना है, किसी पेज पर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करवानी है, या फिर बीन प्रॉपर्टीज के अंदर वैल्यूज को गेट या फिर सेट करवाना है, तो इस टाइप के टास्क हम लोग किसके थ्रू परफॉर्म करते हैं? डेट इज एक्शन टैग्स के थ्रू। ओके, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, जेएसपी टैग्स थ्री टाइप्स के होते हैं, स्क्रिप्टिंग टैग्स, डायरेक्टिव टैग्स एंड एक्शन टैग्स। स्क्रिप्टिंग टैग्स का सिंटैक्स ये होता है और इन्हीं टैग्स के थ्रू हम लोग जेएसपी पेजेस के अंदर जावा का कोड एम्बेड कर सकते हैं। डायरेक्टिव टैग्स का सिंटैक्स ये होता है और इसका यूज होता है कि ये जेएसपी कंटेनर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि जेएसपी पेज किस टाइप से प्रोसेस करना है। ओके, एंड एक्शन टैग्स का सिंटैक्स ये आ गया है जिसके थ्रू हम लोग कुछ भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाते हैं जेएसपी पेजेस के अंदर। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना, स्क्रिप्टिंग टैग्स अगेन हमारे पास थ्री टाइप्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आ जाता है डेट इज स्क्रिप्टलेट टैग, सेकंड हमारे पास आ जाता है डेट इज डिक्लेरेशन टैग, एंड थर्ड हमारे पास आ जाता है डेट इज एक्सप्रेशन टैग। तो ये तीन टाइप के टैग्स आते हैं किसमें? स्क्रिप्टिंग टैग्स के अंदर। ओके, स्क्रिप्टलेट टैग, स्क्रिप्टलेट टैग का सिंटैक्स क्या होता है? सिंपल, ये सिंटैक्स होता है डेट इज स्क्रिप्टलेट टैग का। ओके, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं ये सारी चीजें डीपली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। डिक्लेरेशन टैग का सिंटैक्स क्या होता है? जिसके अंदर हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। ओके, एंड एक्सप्रेशन टैग कौन सा होता है? जिसके अंदर हमारे पास इक्वल्स टू का सिंबल आता है, क्लियर है। तो हमारे पास स्क्रिप्टिंग टैग्स जो है वो बेसिकली थ्री टाइप्स के आ जाते हैं, डेट इज स्क्रिप्टलेट टैग, डिक्लेरेशन टैग एंड एक्सप्रेशन टैग। ओके, ठीक है। स्क्रिप्टलेट टैग बेसिकली हम लोग जावा का कोड एम्बेड कर देते हैं, डिक्लेरेशन टैग मेथड या फिर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाने के लिए यूज होता है, एक्सप्रेशन टैग जिसके थ्रू हम लोग वेरिएबल्स को प्रिंट करवा देते हैं बाय यूजिंग एक्सप्रेशन टैग। ओके, तो थ्री टाइप्स के टैग्स आ गए हैं डेट इज स्क्रिप्टिंग टैग्स के अंदर। देन हमारे पास आ जाते हैं डेट इज डायरेक्टिव टैग्स। डायरेक्टिव टैग्स भी अगेन थ्री टाइप्स के होते हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज पेज डायरेक्टिव, सेकंड वन इज इंक्लूड डायरेक्टिव, एंड थर्ड वन इज टैगलिब डायरेक्टिव।
क्लियरेंसेस। तो हमारे पास बेसिकली ये थ्री टाइप्स के टैग्स होते हैं, किसमें, दैट इज डायरेक्टिव टैग्स के अंदर। ओके, पेज डायरेक्टिव, हाँ जी, इसका सिंटेक्स क्या होता है, दैट इज एट द रेट के बाद हमारे पास आ जाता है पेज, एंड देन हमारे पास आ जाता है दैट इज एट्रीब्यूट के बाद वैल्यू। क्लियर है चीज? तो ये हमारे पास सिंटेक्स किस चीज का आ जाता है, दैट इज पेज डायरेक्टिव का। ओके, इंक्लूड डायरेक्टिव, इंक्लूड डायरेक्टिव के केस में हमारे पास इंक्लूड आ जाता है। देन यहां पर फाइल, फाइल के बाद हमारे पास रिसोर्स फाइल नेम आ जाता है। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेट इज रिसोर्स फाइल नेम। ओके, एंड थर्ड वन इज डेट इज टैगलिप डायरेक्टिव, जिसके अंदर हमारे पास एट द रेट टैगलिप, टैगलिप के बाद हमारे पास यहां पर यू आर आई एंड प्रीफिक्स वाला पार्ट आ जाता है। पॉइंट क्लियर है चीज? तो हमारे पास ये तीन टाइप के टैग्स होते हैं, किसमें, दैट इज एन डायरेक्टिव टैग। ओके, ठीक है, एंड देन हमारे पास पार्ट आ जाता है दैट इज एक्शन टैग। एक्शन टैग अगेन हमारे पास काफी सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे इंक्लूड टैग होता है हमारे पास। ओके, देन एक हमारे पास फॉरवर्ड टैग हो जाता है। ओके, इसके अलावा बीन्स रिलेटेड टैग आ जाते हैं। ओके, तो काफी सारे टैग्स इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, जैसे सिंटेक्स क्या होता है, जैसे इंक्लूड टैग, इंक्लूड टैग का सिंटेक्स क्या होता है, डेट इज जेएसपी कॉलन इंक्लूड। ये हमारे पास सिंपल कौन सा हो गया, डेट इज इंक्लूड टैग। फॉरवर्ड टैग हमारे पास कौन सा आ जाएगा, डेट इज जेएसपी कॉलन फॉरवर्ड। ओके, देन बीन सेक्शन टैग्स, बीन सेक्शन टैग्स कौन से होते हैं, जैसे जेएसपी कॉलन यूज बीन नेम का एक टैग आता है, या फिर एक टैग हमारे पास आता है डेट इज जेएसपी कॉलन गेट प्रॉपर्टी, और एक और टैग आता है जैसे जेएसपी कॉलन सेट प्रॉपर्टी। तो इस टाइप से काफी सारे टैग्स आ जाते हैं एक्शन टैग्स के अंदर। ओके, तो यहां पर मैं एटसेट्रा लिख देता हूं क्योंकि इसके अंदर काफी सारे टैग्स आते हैं। पॉइंट क्लियर है चीज? तो ध्यान रखना है आप लोगों को, जेएसपी के अंदर बेसिकली थ्री टाइप्स के टैग्स प्रोवाइड किए गए हैं, एंड स्क्रिप्टिंग टैग के अंदर अगेन हमारे पास थ्री कैटेगरीज आ जाती है, डायरेक्टिव टैग्स के अंदर अगेन थ्री टाइप की कैटेगरीज आ जाती है, एंड एक्शन टैग्स भी हमारे पास काफी सारे टाइप्स के प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, तो ये होते हैं जेएसपी के प्री डिफाइंड टैग्स। ध्यान रखना है ये सारे के सारे प्री डिफाइंड टैग्स हैं। ओके, बट एक चीज का और ध्यान रखना है आप लोगों को, देखो जेएसपी के अंदर ये तो आ गए प्री डिफाइंड टैग्स, बट जेएसपी जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी, जब ये लॉन्च हुई थी, उसके बाद कुछ और टैग्स भी क्रिएट किए गए थे, वो टैग्स हम लोग जेएसपी के अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे जैसे JSTL टैग्स हो गए। हाँ जी, JSTL टैग्स हो गए, दैट इज जेएसपी स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी। जेएसपी स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी को भी हम लोग जेएसपी के अंदर यूज कर सकते हैं, या फिर स्प्रिंग के टैग्स होते हैं, स्प्रिंग एमवीसी के जो टैग्स होते हैं। क्लियर है चीज? तो इस टाइप से काफी सारे टैग्स होते हैं, स्टड्स के टैग्स होते हैं, तो इस टाइप के टैग्स भी हम लोग जेएसपी के अंदर यूज कर सकते हैं। किसके थ्रू? बाय यूजिंग टैगलिप डायरेक्टिव। ध्यान रखना है, जब जेएसपी क्रिएट हुई थी, उसके बाद और भी बहुत सारे टैग्स क्रिएट हुए थे, अलग अलग टेक्नोलॉजीज बनाई गई थी, उनके अंदर भी टैग्स थे, और वो वाले टैग्स हम लोग जेएसपी के अंदर यूज कर सकते हैं। पहले हम लोगों को उनका यूआरआई प्रोवाइड करना पड़ेगा। हाँ जी, यूआरआई प्रोवाइड करना पड़ेगा और प्रीफिक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर जाकर हम लोग ये वाले टैग्स भी जेएसपी टैग्स के अंदर यूज कर सकते हैं। क्लियर है चीज? सो आई होप ये सारा पार्ट, जेएसपी के अंदर कितने टाइप के टैग्स होते हैं, इनकी सब कैटेगरीज क्या होती हैं, आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को पता चल गया होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को ये सारे टैग्स एक्सप्लेन भी करूंगा और प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। ओके, सो आई होप ये टैग समझ में आ गए होंगे। इनकेस कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।